हेलो फ्रेंड्स आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल एन बी सी स्टडी जोन जहाँ आपकी होती है संपूर्ण तैयारी और इसी कड़ी में आप देख रहे हैं क्लास ट्वेल्थ के क्रैश कोर्स के कुछ क्वेश्चंस कराए जा रहे हैं जो भी क्वेश्चन बिहार बोर्ड के परीक्षा में 2011 से लेकर 2022 तक पूछे गए हैं उन प्रश्नों का संग्रह हमारे पास है और उन्हीं क्वेश्चन को लेकर मैं आपको डिस्कस करने जा रहा हूँ ताकि आपके ऑब्जेक्टिव के स्कोर अच्छे हो सके आप क्वेश्चन को बारीकी से समझ सकें तो आइए दोस्तों इस वीडियो की शुरुआत करते हैं और आज के टॉपिक में हम लोग का लेशन है विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव पाठ है इससे जुड़ा हुआ क्वेश्चन आज हम लोग इस वीडियो में करेंगे तो आप ये बात पहले भी जानते हैं कि किसी भी तार में अगर धारा का प्रवाह कर देते हैं तो ये चुंबक बन जाता है इसको इलेक्ट्रोमैग्नेट या विद्युत चुंबक के नाम से हम लोग जानते हैं उसी कड़ी में क्वेश्चन एक है क्वेश्चन करा है कि एक तार है जिसका तो आघूर्ण कैपिटल देखिए तार है तो तार की लंबाई अगर एल मान ली जाए ये नॉर्थ पोल है और ये क्या है साउथ पोल है तो इनका जो दुध्रुव आघूर्ण होगा वो हो जाएगा एम इजकल टू ध्रुव प्रबलता इंटू इसकी लंबाई ये जनरल फॉर्मूला है एम इंटू एल है लेकिन इस तार को जब वृत्त के रूप में मोड़ दे रहे इस फॉर्म में इसको मोड़ा जा रहा है तो देखिए रेडियस तो हो जाएगा और ये एल हो गया ये अब एल के रूप में ये हो गया तो एल के जगह हो जाएगा पाई पायर अर्धवृत्त की परिमिति ठीक है यहां से आर अगर निकालने का मन है तो आप लिख सकते हैं पाई एल सॉरी एल बाई पाई सकते हैं एल पाई तो तार को जब इस रूप में मोड़िएगा तो आपका जो नया दुध्रुआ आघूर्ण होगा वो एम मान लेते हैं तो ध्रुव प्रबलता और होगा टू आर बस टू आर को चेंज कर देना है एसमॉल एम और टू रहेगा आर की जगह लिखेंगे आप एल बाई पाई एल बाई पाई जहां एम और एल मिलके क्या हो जाएंगे पुराना वाला दुध्रुआ आघूर्ण एक कैपिटल एम हो जाएगा एक दो बचेगा और एक पाई बचेगा नीचे में तो अर्धवृत्त के रूप में बोलेंगे तो दूरी तो यही टू आर ही रह जाएगी ना तो लेकिन आपको जिस फॉर्मूला में दिया ऑप्शन उसके अकॉर्डिंग लाने के लिए आपको टू एम बाई पाई ही आंसर आपका आ रहा है तो पहला क्वेश्चन आपने देख लिया अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं अगला प्रश्न है लंबे सीधे चालक से आई धारा प्रवाहित करने पर इससे आर दूरी पर चुंबकीय क्षेत्र क्या होता है देखिए अगर ये लंबा चालक है और लंबा चालक से दूरी पर पूछा जा रहा है एक लंबा चालक है इसमें आर धारा प्रवाहित हो रही है आई धारा प्रवाहित हो रही है इससे आर दूरी पर चुंबकीय क्षेत्र कितना होगा तो आर दूरी पर चुंबकीय क्षेत्र का जो फॉर्मूला होता है वो होता है म्यू नॉट बाई फोर पाई टू आई बाई आर धारा है बाई आर ये जहां फॉर्मूला आपको मिल जाएगा वही ऑप्शन क्या हो जाएगा सही हो जाएगा मिनट पाई I R. I जहां धारा है R क्या है क्या दूरी है तो ऑप्शन नंबर हो जाएगा ए समझ गए तो ऑप्शन नंबर क्वेश्चन सेकेंड क्वेश्चन का हो जाएगा ए थर्ड क्वेश्चन स्क्रीन बोर्ड पर आपके सामने आ रहा है कि जब कोई आवेशित कण एक ऐसे क्षेत्र में गति करता जहां चुंबकीय क्षेत्र विद्यमान हो तब क्या हो सकता है देखो आवेशित, आवेशित कण मतलब होता है इस पर चार्ज हो और गति में अगर चार्ज आ जाए तो उस पर विद्युत क्षेत्र बल लगाएगा और चुंबकीय क्षेत्र भी दोनों बल लगाते हैं तो इसमें से कौन सी ऑप्शन जो है सेव हो सकती है कण के वेग का परिमाण बदलता है वेग अच्छा रहता है संवेक दिशा बदलती है कण की गति ऊर्जा बदलती है तो चुंबकीय क्षेत्र में बदिमान हो और क्षेत्र में आवेश कण गति कर रहा है तो यहां वेग क्या रहेगा वेग आपका आचर रहेगा वेग में कोई परिवर्तन आपको नहीं मिलेगा समान वेग से गति कर सकता है ये क्वेश्चन दो हजार अठारह के ऊपर पूछा हुआ है अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं चार नंबर प्रश्न है समान लंबाई के तीन अलग अलग चुंबक अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल का दिया है ए टू ए और फोर ए तो उनके चुंबक आघूर्ण का अनुपात क्या होगा देखिए लंबाई तीनों चुंबक का सेम है लंबाई तीनों चुंबक का क्या क्या है सेम है लंबाई जब सेम है तो क्षेत्रफल पर डिपेंड करेगा जिसका एरिया ज्यादा होगा उसका क्या होगा चुंबकीय आघूर्ण ज्यादा होगा एरिया पर डिपेंड करेगा यानी कि जो है समानुपाती हो गया ए का तो पहले का एरिया कितना है ए है दूसरे का एरिया कितना है टू ए है और तीसरे का एरिया क्या है सिक्स है सब में ए कट गया बच गया रेशियो में वन रेशियो टू रेशियो और सिक्स वन टू और सिक्स तो वन टू सिक्स हो जाएगा ऑप्शन नंबर भी आगे बढ़ते हैं प्रश्न नंबर पांच एक इलेक्ट्रॉन तल में पूरब की दिशा में गति कर रहा है देखिए इलेक्ट्रॉन दिशा में गति करता है धारा उसके विपरीत चलती है तो मैं यहाँ डायरेक्शन आपको दिखा देता हूं देखिए डायरेक्शन हो गया इधर ईस्ट इधर वेस्ट इधर नॉर्थ और इधर आपका साउथ तो देखिए ये जा रहा चुंबक ईस्ट की तरफ इलेक्ट्रॉन धारा जाएगी वेस्ट की तरफ यानी धारा आपकी इस दिशा में है और चुंबकीय जो क्षेत्र है वो नीचे की ओर विद्यमान है नीचे यानी कि बोर्ड के अंदर होगा नीचे की तरफ होगा तो बल आप निकालिए देखिए अंगूठा मेरा अंगूठा तो मेरा दिख रहा है ना ये तीन फिंगर्स से, से लेना है तो करेंट की दिशा में ये है और चुंबकीय क्षेत्र अंदर की तरफ जा रहा है तो अंगूठा मेरा किधर जाएगा नॉर्थ की तरफ जाएगा देखो मैं इसे काफू करके दिखा रहा हूँ नॉर्थ की तरफ क्या जाएगा अंगूठा आपको जाएगा यानी इधर हो जाएगा नॉर्थ यानी ऑप्शन नंबर हो जाएगा डी उत्तर के दिशा में इधर बल आपका लगेगा चुंबकीय क्षेत्र क्या होगा इसका अंदर हो जाएगा तो हो जाएगा उत्तर नंबर चुंबकीय क्षेत्र के फ्लक्स की ईसाई मात्रा क्या होती है चुंबकीय क्षेत्र के फ्लक्स की एसआई मात्रा क्या होती है तो चुंबकीय क्षेत्र का मात्रक तो होता है टिस्ला और चुंबकीय क्षेत्र का जो फ्लक्स है उसका मात्रक होता है वेबर फ्लक्स का मात्रक होता है वेबर होता है इसमें ऑप्शन ए दिया हुआ है, तो ए आपका गलत है ऑप्शन हो जाएगा वेबर सही होगा सात नंबर प्रश्न है स्क्रीन बोर्ड में दिखा रहा हूं चुंबकीय क्षेत्र बी का ऊर्जा घनत्व क्या होता है इसका फॉर्मूला होता है बी स्क्वायर बाई टू म्यू नॉट म्यू नॉट आप जानते ही हैं इसका वैल्यू दस के पावर पाई दस होता है बी स्क्वायर बाई पाई नॉट हो जाएगा प्रश्न आठ है ए क्षेत्रफल के वृत्तीय पास के केंद्र पर चुंबकीय क्षेत्र क्या है बी है तो उस पास का चुंबकीय आघूर्ण होगा चुंबकीय क्षेत्र फल के पास के केंद्र पर चुंबकीय क्षेत्र क्या है बी है तो उस पास का चुंबकीय आघूर्ण कितना होगा तो इसका ऑप्शन आपको डी याद रखना होगा टू बी ए बाई टू म्यूनोट फोर इन टू टूट हो जाएगा ध्यान रखना है हम हैं प्रश्न संख्या आ गया है नौ यदि R प्रगत्व है R प्रतिरोध है और C निर्धारित धारिता हो तो L बाई आर एवं आर सी का विभिन्न सूत्र है विमीय सूत्र पूछ रहा है इसमें से जी इसमें केवल टाइम दोनों में देखेंगे तो दोनों में टाइम ही रहता है देखो ऑप्शन नंबर डी है एम के पावर जीरो है L के पावर जीरो है T दोनों में रह जाएगा दस नंबर जो क्वेश्चन है इसमें पूछ रहा है दस नंबर में कि समरूप वेग से चलेमान आवेश उत्पन्न करता है अगर कोई भी आवेश समरूप वेग से गति कर रहा है तो देखिए गतिमान आवेश के पास चुंबकीय क्षेत्र होता है और विद्युत क्षेत्र दोनों होता है तो केवल विद्युत क्षेत्र भी अवसर नहीं होगा केवल चुंबकीय क्षेत्र भी नहीं होगा दोनों यानी कि विद्युत चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न ये करेंगे आवेश गति में होगा दोनों क्षेत्र उत्पन्न होगा ध्यान रखना है एक क्वेश्चन दो हजार प्लस के पूछा हुआ है उन्नीस और अठ सोलह दो बार ये क्वेश्चन पूछा हुआ ग्यारह नंबर ना साइकिल में लगा देते हैं साइकिल में पहिया में घूम घूम कर वो करंट जनरेट करता है डायनोमो का काम होता है यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत तो में बदलना और ये चुंबकीय प्रभाव पर जो है ये आपका कार्य करता है यानी ऑप्शन हो जाएगा बी विद्युत तो विद्युत चुंबकीय प्रेरण प्रे जो डायनोमो काम करता है फैराडे आपका बहुत बड़ा देन था जो क्या देन को हम लोग भुला नहीं सकते बहुत इंपॉर्टेंट था ये डायनोमो जो आज हमारे जगत में करेंट को उत्पन्न करने वाला ही है बारह नंबर प्रश्न है क्वेश्चन नंबर बारह आपका स्क्रीन बोर्ड पर दिख रहा होगा लॉरेंज बल की दिशा ज्ञात करने के लिए किस नियम का प्रयोग करते हैं देखिए लॉरेंज बल आप जानते ही हैं चुंबकीय बल और विद्युत बल दोनों साथ में जब कार्य करते हैं तो उसको हम लोग लॉरेंज बल के नाम से जानते हैं और इसकी दिशा फ्लेमिंग के बाएं हाथ के नियम के द्वारा निकाली जाती है इस बात का आप ध्यान रखेंगे क्वेश्चन नंबर कह है। एक मिली एम्पियर पड़ास था एक ओम प्रतिरोध वाले मिली एमीटर को दस वोल्ट पड़ास वाले वोल्ट वोल्टीपी बदलने के लिए उनके साथ कितना और कितना क्रम का प्रतिरोध जोड़ना होगा तो आप बना सकते हो ऑप्शन याद करो भाई इसका ऑप्शन याद करो नौ ओम का प्रयोग कीजिएगा श्रेणी क्रम में तभी जाकर वो बनने वाली है एक धारा में दो एम्पियर की धारा से पूर्ण विच्छेपित होता है यानी दो एम्पियर तो तो है प्रतिरोध बारह ओम है पड़ाश इसका पांच एम्पियर कर दिए पड़ास इसका बढ़ा दिए तो क्या इसमें करना चाहिए इसमें आठ ओम प्रतिरोध और बढ़ाना होगा याद कर लीजिए इन क्वेश्चन को सोल्व करने में समय लगेगा इसमें नहीं करा रहा हूं। आप सर से याद कर लीजिए नंबर साइक्लोट्रॉन किस कण को उच्च ऊर्जा तक त्वरित करने के लिए उपयुक्त नहीं है साइक्लोट्रॉन किस कण को उच्च ऊर्जा तक देखिए अब देखिए जिसके पास आवेश होगा ना उसी को साइक्लोट्रॉन ऊर्जा एनर्जेटिक करता है जिसके पास आवेश नहीं होगा उसको नहीं करेगा प्रोटॉन तो आवेश है इलेक्ट्रॉन भी आवेशित है अल्फा कण भी जो है डबल पोलेट्रॉन होता है भी है जो है यानी कि ड्यूट्रॉन इसको जो है आपका ये त्वरित नहीं कर सकता है नेक्स्ट है सोलह नंबर प्रश्न है आपका चुंबकीय क्षेत्र में गतिमान आवेश कण पर लगने वाले विद्युत बल का सूत्र क्या है तो चुंबकीय क्षेत्र पर आवेश जो गतिमान होगा उसमें तो फॉर्मूला जो होता है होता ए फिजिकल टू या फिजिकल टू हो जाता है आपका क्यू बाहर हो जाता है ए फिजिकल टू क्यू अभी क्रॉस क्या हो जाता है बी ये भी फॉर्मूला आपका है रखना है। तो ऑप्शन नंबर हो जाएगा बी ए लंबाई आई धारा था एन वाली प्रणालिका के मतलब चुंबकीय क्षेत्र का व्यंजक क्या होता है इसका देखिए फॉर्मूला होता है म्यू नॉट एन आई ये होता है चुंबकीय क्षेत्र प्रणालिका के कारण तो एन आई तो हो गया यहाँ पर ये प्रतीकांक लंबाई है इसको आप लिख सकते हो स्मॉल एन को कैपिटल एन बाई एल आई इन टू आई ऑप्शन तो नंबर हो जाएगा डी म्यू नॉट एन आई बाई एल हो जाएगा एक लंबी प्रणालिका में प्रति सेंटीमीटर 200 सौ हैं तो इसमें अढ़ाई इम्पियर की धारा भर तो प्रणाली केंद्र पर चुंबकीय क्षेत्र का मान गया वही लगेगा जी म्यू नॉट एन आई ठीक है इसका वैल्यू रखिएगा एन का वैल्यू रख दीजिएगा 200 सौ आई एर हाई पे रख दीजिएगा सॉल्व करने पर आपका आ जाएगा 6.2 पॉइंट टू के पावर माइनस टू वेबर प्रति मीटर स्क्वायर ध्यान रखना है उन्नीस नंबर प्रश्न है से कौन बायोस्वाट नियम के सदिश समीकरण सदिश का समीकरण सही रूप है तो बायोस्वाट जो नियम था पड़े होंगे म्यू नॉट बाई पाई था नीचे और आइडियल साइन थीटा आइडियल साइन थीटा सॉरी इधर होगा साइन थीटा और ये जो है आपका इसको मिटाना पड़ेगा नीचे कुछ नहीं होगा यानी आइडियल साइन थीटा भाई बाई होता है आर स्क्वायर ये फॉर्मूला होता है अब सदिश्य स्वरूप में इसको लिखिएगा तो कहीं दिख रहा है इस तरफ फॉर्मूला पर देख लीजिए है कि मिनट बाई फर्स्ट ऑप्शन में आई और डीएल और आर है ही दिया गया है तो आर कैप से कोई समस्या नहीं है आई डी एल साइनिटा होता ठीक है ऑप्शन नंबर हो जाएगा ये बीस नंबर है किसी परिपथ में कुल धारा की पांच पांच परसेंट धारा गैल्वेनोमीटर गैल्वेनोमीटर में से प्रवाहित की जाती है तो किलोमीटर का प्रतिरोध जी है तो संट का मान कितना होगा तो संट जो हो जाएगा ना जी बाई कितना हो जाएगा 19 हो जाएगा ध्यान रखिएगा इक्कीस नंबर चुंबकीय क्षेत्र में अवस्थित एम चुंबकीय आघूर्ण वाले धारा पास द्वारा अनुभूत बल आघूर्ण टॉ कितना होता है तो टॉ तो हो जाएगा एम क्रॉस बी तो हो जाएगा एम क्रॉस बी एम है चुंबकीय आघूर्ण बी है चुंबकीय क्षेत्र ध्यान रखना आते हैं क्वेश्चन नंबर बाईस की तरफ विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव की खोज में से किस वैज्ञानिक ने की, की थी चुंबकीय प्रभाव खोज आस्टेड ने किया था जिसमें इसने उन्होंने बताया था कि तार में धारा प्रवाहित कीजिएगा तो ये चुंबक बन जाता है चुंबक की तरह गुण दिखाता है तो ऑस्टेड साहब का बहुत बड़ा योगदान शुरुआत में रहा था बाद में फेराडे ने आगे काम कर दिया एक गतिमान स्वतंत्र आवेश उत्पन्न कर सकता है गतिमान आवेश भी और स्वतंत्र भी है तो इसके पास दोनों क्षेत्र होगा विद्युत क्षेत्र भी होगा और चुंबकीय क्षेत्र दोनों क्षेत्र इस उत्पन्न कर सकता है चौबीस नंबर है एक आवेश कण जो अस्थायी और समरूप विद्युत और चुंबकीय क्षेत्रों से परस्पर समांतर है विराम अवस्था से जोड़ा जाता है कण गति करेगा यानी आवेश कण है स्थायी और समरूप विद्युत और चुम्बक दोनों क्षेत्रों से समांतर दोनों के समांतर है और देखो दोनों में है दोनों क्षेत्र के बीच में चला ऊपर भी एक क्षेत्र और नीचे भी क्षेत्र बीच भी में जाएगा दोनों समान बल लगाएंगे इस पर कोई चेंजिंग गति में नहीं आएगा बिल्कुल सरल रेखा में चला जाएगा पच्चीस नंबर है चुंबकीय क्षेत्र में गतिमान कण का अपरिवर्तित रहती है तो चाल और चाल रहेगा तो गतिज ऊर्जा भी उसका भी रहता है तो गति जो अभी उसकी क्या होगी कंजर्व होगी अपरिवर्तित रहेगी लॉरेंज बल का फॉर्मूला क्या होता है लॉरेंज बल देखिए कैसे बनता है चुंबकीय बल दोनों बल इसमें शामिल होते हैं चुंबकीय बल भी होता है क्यू ई और भी भी साइन थीटा, क्यू भी भी साइन थीटा। दोनों में आप क्यू कॉमन ले लीजिएगा ना तो एगो में ई बच जाएगा बच जाएगा भी क्रॉस बी बच जाएगा बच जाएगा देखिए किस ऑप्शन में है वी क्रॉस भी ऑप्शन नंबर ए में ही है तो ये हो जाएगा लॉरेंज बल मतलब दोनों बल चुंबकीय बल प्लस इलेक्ट्रिक बल दोनों को जोड़िएगा तो लॉरेंज बल प्राप्त होता है नंबर है पृथ्वी के पृष्ठ पर चुंबकीय क्षेत्र का मान होता है पृष्ठ पर होगा दस के पावर माइनस पांच टेस्ला का वैल्यू हो जाएगा ध्यान रखना है आदर्श मीटर का प्रतिरोध होता है अनंत आदर्श वोल्ट मीटर होगा तो प्रतिरोध का अनंत कर देते हैं ताकि धारा दाय बिल्कुल ना धारा मेजरमेंट ना हो खाली बस आपका जो है वोल्टेज मेजर करे नेक्स्ट है गलवेनोमीटर को वोल्ट मीटर वोल्टमीटर किया जाता है या जा सकता है कैसे देखिये गेल्वेनोमीटर अच्छा वोल्टेज को मेजर कम वोल्टेज भी आएगा तो मेजर कर लेगा ज्यादा कोई मेजर कर सकता है वोल्ट मीटर में अधिक वोल्टेज मेजर होता है तो अगर आप गलटर में उच्च प्रतिरोध जोड़ दीजिएगा तो ये आपका वोल्टमीटर में क्या हो जाएगा परिवर्तित हो जाएगा ध्यान रखना चल कुंडली धर्मापी की सुग्राहिता बढ़ाई जा सकती है चुंबकीय फ्लक्स बढ़ाकर बढ़ा सकते हैं ध्यान रखना है गलभेनोमीटर में संट का उपयोग किया जाता है संट का काम है धारा से उसकी सुरक्षा के लिए उच्च धारा से क्या करता है सुरक्षा करता है इसलिए संट का प्रयोग हम लोग करते हैं ध्यान रखना है आ गया जरूरी है बत्तीस नंबर है अनंत लंबाई के एक सीधे तार में एक एम्पियर की धारा रही है तो इससे एक मिनट पर चुंबकीय क्षेत्र कितना होगा देखिए फॉर्मूला हम लोग अभी ना पढ़े थे बीच मिनट बाई फोर पाई आर टू आई बाई आर इसका वैल्यू दस के पावर कितना होता है माइनस सात और टू आई के जगह पर कितना हो जाएगा एक एम्पियर दूरी हो जाएगा एक यानी दो गुण दस के पावर क्या हो जाएगा माइनस टेस्ला हो जाएगा ध्यान रखना है चुंबकीय क्या है चुंबकीय प्रेरण की बीमा हो जाएगी एम एल के पावर जीरो टी के पावर माइनस टू टी के पावर टी के पावर माइनस वन ये टी ने एक आई है ठीक है आई वाला आई आई दे दिया गलती तो कर दिया आई के पावर माइनस वन हो जाएगा चुंबकन क्षेत्र की चुंबकता के बराबर होता है चुंबकन क्षेत्र का होता है बी बाई, मी के अनुपात के बराबर तो फ्रेंड्स वीडियो चौंतीस क्वेश्चन देखे हैं जो कि आपके फिजिक्स रिलेटेड है चुंबकीय प्रभाव से वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद वीडियो अच्छा लगे तो अच्छा लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और इसका फायदा उठाइए एग्जाम में अच्छा नंबर पाइए ये हम लोग का प्रयास है इसलिए वीडियो बनाया जा रहा है तब तक धन्यवाद आपका दिन मंगलमय हो